वेलकम टू इकोहॉलिक्स। आपने एक वर्ड सुना होगा ब्रेन वॉशिंग, लेकिन क्या आपने ग्रीन वॉशिंग सुना है? वेल, ग्रीन वॉशिंग अभी कंटेम्प्रेरी सिनारियो में, जहाँ पे एनवायरमेंटल इमरजेंसीज और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का बहुत ज़्यादा बोलबाला हो रहा है इकोनॉमिक वर्ल्ड में, वहाँ पे ये टर्म काफ़ी रेनाउंड है। तो लेट्स अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट इज़ ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग बेसिकली वो तरीका है जो डिफरेंट कंपनीज यूटिलाइज करती हैं ताकि कंज्यूमर्स को वो इन्फ्लुएंस कर पाएँ अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा होगा कि प्रोडक्ट्स में इको, अर्दी, कंजर्वेशन, ऐसे कई तरीके के वर्ड्स, टर्म्स यूज़ किए जाते हैं ताकि उसकी ब्रांडिंग में और एम्फेसिस मिल पाए और लोगों को ये लगे कि हाँ हाँ ये शायद प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसमें ये बायोडिग्रेडेबल चीज़ों से बने हुए हैं, या ये ऐसे तरीके हैं या ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे सर्विसेज हैं जहाँ पे हमें लीस्ट डिसएडवांटेज होगा या फिर अर्थ को लीस्ट डिसएडवांटेज होगा और अर्थ बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहेगा। तो कंपनीज ये प्रमोशन के लिए एक टेक्निक यूज़ करती हैं यूजुअली, जहाँ पे ऐसा ब्रेन वॉश किया जाता है कंज्यूमर्स का थ्रू एडवर्टीजमेंट्स, थ्रू प्रमोशन, कि लोगों को ऐसा लगे कि एक्चुअल में ये कंपनी तो बहुत ज़्यादा ही ग्रीन वैल्यूएशन कर रही है और कंजर्वेशन कर रही है या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कर रही है, लेकिन एक्चुअल में वो इतना एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन नहीं कर रही होती है। तो इसका मतलब होता है कि आपको ग्रीन वॉश किया जा रहा है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी नया टर्म है और हो सकता है आने वाले कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस टर्म से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आ जाएं। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि ऐसा कभी भी अगर सिचुएशन होता है जब कंपनीज अपने एक्चुअल सिचुएशन में, जहाँ पे वो सच में कोई भी प्रोटेक्शन या एनवायरमेंट रिलेटेड कोई भी कंजर्वेशन कर रही हो और क्या वो प्रमोशन भी उसी चीज़ का कर रही हैं, इसमें अगर डाइवर्सिफिकेशन होगा या इसमें बहुत ज़्यादा गैप होगा तो आपको हमेशा ध्यान में ये रखना पड़ेगा कि शायद ये कंपनीज ग्रीन वॉशिंग यूज़ कर रही हैं। आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से ब्रांड्स आपको देखने में लगते हैं कि ये लोग ग्रीन वॉशिंग कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारे ब्रांड्स ऐसा नहीं करते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स और कंपनीज एक्चुअल में ग्रीन वॉशिंग नहीं यूज़ करते और सच में अपने प्रोडक्ट्स में बायोडिग्रेडेबल और एनवायरमेंटल फ्रेंडली चीज़ों का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि प्रमोशन के लिए हमें बहुत बार ऐसे टर्म्स यूज़ कर करके प्रमोट करना होता है ताकि हम कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर पाए। तो ये तो थी ग्रीन वॉशिंग रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। आई होप दैट आपको ये कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग लगा होगा और आई एम वेरी श्योर कि आपको ऐसे बहुत सारे कंपनीज भी ध्यान में आ गए होंगे जिन्होंने ऐसे ब्रांड प्रमोशंस किए हुए हैं जहाँ पे आपका भी ग्रीन वॉशिंग हुआ है। सो राइट अस इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपकी क्या क्या स्टोरीज हैं, एंड आप हमें ऐसे और वीडियोज़ बनाने के लिए डेफिनेटली लिख सकते हैं इन आर कॉमेंट सेक्शन। Till then, stay tuned to Ecoholics.